नमस्कार आपण मानको स्वागत करुच्छी सिद्धार्थ भक्ति चैनल शब्द ब्रह्मर आउ एक नूतन अध्याय को आम पूर्व अध्याय अनेक शब्द विषय जाणीचे बुझीचे किंतु आज शब्द कौन रही विषय अधिक आमको जनवाई आम गहणे अच्छा प्रोफेसर डॉक्टर नटवर शतपथी महोदय चलतु शो को स्वागत करवा सर नमस्कार नमस्कार शब्द ब्रह्म को आपको स्वागत सर आज शब्द कौन रही कहीं प्रत्येक अध्याय आम पाखक नहीं आसद आज एम गोटे शब्दर परिकल्पना मुझे जो शब्द से लोक मानकर दरकार जो माने निज जीवन टी गोटे सिद्ध जीवन में परिणत करने को चाहती एवं से शब्द टी हूँ अष्ट महासिद्धि सर आज शब्द आपण कहले अष्ट महासिद्धि किंतु तार अर्थ कौन ये महासिद्धि मुझे को गोटे गोटे आलोचना करी महासिद्धि कहले प्रत्येक व्यक्तिर गोटे गोटे सिद्धि दरकार एवं से सिद्धि गुड़क आम केमी कहूँ ना ताकु बुझीबा जीवन ऐश्वर्य जमती जीवन सौभाग्य ताकु मध्य कई कई कहती प्रभुत्व जड़े लोक सी कौन जन्म हो केवल खाई पी कि बचब बिल बाड़े चाष कर अगर सेवा कर दास हम एतिक तो गोटे जीवन आकांक्षा बाकु आम आउ एक भाव में कहीपर जीवन समस्त प्रकार ऐश्वर्य एतिक सीमित नुहे जीवन हूँ गोटे ऐश्वर्यर काल ऐश्वर्य हेउची व्यक्ति निजर चेष्टारे निजर ज्ञानरे निजर साधनारे बा निज उद्यमरे से ऐश्वर्य गुड़िक लाभ करिवो तुम्हें हो तो प्रश्न करी पारो ये ऐश्वर्य पुणी कहिले कौन आज्ञा जहाँ आखि को सुंदर दिशे अलंकार आम अलंकार पिंधुचु चकचक करुची आम भावुचु से लोकर बहुत पैसा पत्र अच्छी धनशाली लोक तेणु सीए कौन कर ऐश्वर्य देखा मुझ पचार प्रश्न ताक आम ऐश्वर्य कह प्रकृत ऐश्वर्य एक देवसुलभ गुण एवं देवसुलभ कहले शास्त्रकार मान मन पकई निर्दिष्ट करदे जी प्रभु ये प्रभु किए आम धरा जाऊ से प्रभु को विष्णु कहीपर नारायण कहीपर परमात्मा कहीपर ब्रह्म कहीपर सर्वशेष कथटी हूँ ब्रह्म ब्रह्म पाखरे जो जो गुण साधारण मनीष पाई गोटे गोटे आकर्षण हो थाए से गुण गुड़िक हूँ ऐश्वर्य गुण धरा जाऊ आम कौन कह ब्रह्म बा ईश्वर होती भेदा भेदर ऊर्धरे से क्या छोट करती नहीं क्या बड़ करती ना समस्ते पाखरे समान ये ऐश्वर्य गोटे गुण एवं यह जदि विष्णु बा ब्रह्म गोटे गुण है आमे लोकों भितर साधारण लोकों भितर से प्रकार गुण देखिले आमे तांको कहिबा ये से भली गोटे ऐश्वर्यर अधिकारी जी कि भेदा भेद देखती ना क्या पातर अंतर करती ना समस्त को पुओ भली निज लोकपरी से स्नेह श्रद्धा करती और ताकु नाना प्रकार साहाज्य इत्यादि देक सी तार विकास चाहती आम ऐश्वर्य को ये प्रकार बुझा तेणु दर्शन शास्त्र रे परमात्मा को बा ईश्वर को ऐश्वर्यर अधिकारी बोली कहा जाइछि एवं से ऐश्वर्य आठटी प्रकार भेद रही आठ प्रकार ऐश्वर्य अच्छी से आठ प्रकार ऐश्वर्य केवल कौन एक ब्रह्मंकर गुण
ब्रह्मों पाखे रही पारे मनीष कौन से गुण अधिकारी हम ना जदि आम ए प्रकार प्रश्न पचार आमर साधक माने पूर्व पुरुष माने विद्वान माने कही प्रकृत रे मनीष भितर ये गुण गुड़िक देखा जाए ईश्वर पाखे अच्छी आम ग्रहण करेलु आम ईश्वर सहित प्रतिजोगिता करूना आम ईश्वर को प्रार्थना करुचु हे प्रभु मते तुम्हें तुमर जिते सब विद्या अच्छी जिते सब कला अच्छी से मते किछि किछि दियो तुम गुणर अभाव हम ना तुम गुण कमी जीव ना जमी कहुए गोटे दीपर आलोक ने आउ गोटे दीप जले किंतु प्रथम दीप कौन लिभि जाए ना तार आलोक कमी जाए ना यदि फूलर सुगंध अच्छी से सुगंध पवन रे वितरण कर दिए महके जाए तार सुगंध कौन कमी जाए ना तेणु ऐश्वर्य यहीपरी केतक गुण ऐश्वर्यर प्रभाव ओ शक्ति ये विशाल जे से किसी कम बेसी हुए ना ठीक से हीपरी अनेक ईश्वरीय गुण अशेष गुण एवं से अशेष गुण भितर मनीष निज निजर भलपाई जगतर भलपाई जगत रे ईश्वर गुण प्रसार करने प्रचार करने से सब ऐश्वर्य दाबी करी थाए बा ऐश्वर्य लाभ करने साधन करी थाए एणु अष्ट ऐश्वर्य अष्ट महासिद्धि बोलिक जहाँ को कह जागुड़िक मनीष आवश्यक करूवा केतोटी विशेष विशेष गुण जहाँ को साधन मध्यम नानार उद्यम मध्यम पाइब तेनाली आम विचार करवा ये आठटी सिद्धि कौन कौन ये सिद्धिर नाम होणिमा लघिमा महिमा प्राप्ति एमती चारोटी हेला ये चारोटी संयम द्वारा गोटे व्यक्ति लाभ करी हुए एवं पंचभूत को जय करी हुए आमे मुताकु आउ टिके स्पष्ट भाव बुझे देवी ये चारोटी परे आउ चारोटी होउछि प्राकाम्य बसित्व ईशित्व एवं जथा काम बस योता मुताकु दुई भागरे विभक्त करदेली जो आठ प्रकार सिद्धि अष्ट महासिद्धि बा ऐश्वर्य बोलिकी कहली से आठटी ऐश्वर्य दुई भागरे विभक्त प्रथम कहली जे अणिमा लघिमा महिमा ओ प्राप्ति ये जो चारोटी प्रकार ऐश्वर्य ये चारोटी प्रकार ऐश्वर्य किपरि लाभ हम ना संयम फल व्यक्ति निज जीवन पाई जिते जिते लोभ मोह इत्यादि 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 बासना तार रही ये बासना गुड़िक कौन करती विशृंखल कर दिंती चिंताधारा को इतस्तत कर दिंती मन भितर नाना प्रकार लोभ एवं आमे जानीचे प्रत्येक लोभ गोटे गोटे पापर कारण हुए मुझा कहली अणिमा लघिमा प्राप्ति महिमा ये जो चारोटी ऐश्वर्य ये चारोटी ऐश्वर्य लाभ करा जाई पारिब केवल पंच महाभूत को जय करिबारे पंच महाभूत कौन ये क्षिति अप तेज मरुत व्योम ये पांचटी महाभूत आमर पांचटी इंद्रिय माध्यम रे निजर कार्य करती तेणु ये इंद्रिय गुड़िक आम को लोभर वशीभूत कर दिंती आम पंचभूत को पंचभूत जहाँ चाहूँ ताकू
सार्थक करने आनंद दवापाई आमर इंद्रिय गुड़िक लगे दौ तेणु पंचे इंद्रिय पांचटी इंद्रिय से माने सुख भोग करती आखि भल देखुची पाटी भल खाऊ कान भल शुणुची किंतु एगुड़िक प्रकृति में कौन एगुड़ा अनेक समय इंद्रिय गुड़िकर इच्छा पूरण करवा ताले आमर प्रश्न हम तार आम कौन इंद्रिय मानकर दास जमीक भल कथी कहुच्छे अनल दक्षिण पतंग धामती जेने उदबेग पतंग देखुच ये आलुटी जलुच्छी ताप आलुटी भारी सुंदर से आलोकर मोहरे पड़ी कि मायारे पड़ी कि सी खूब जोर आलोक पाखक धाई जाए कि जाने ना आलोकर जिते शिखा ताप अच्छी जो ताप अच्छी से तापरे ये पोड़ी पाउँस होवे पापमूर्ति परी अट से स्पर्शे मारात्मक रूपे रम्य दिशे कवि आम राधानाथ एक कहले कौन कह कौप कहले ना धराज मसाल मसाल जाली दि जाऊे कौच मसाल जाली दे आलु निया जाली अंधकार दूरे हो आम टे शीत दिन टे उताप पाइबु ठीक अच्छे किंतु ये मसाल काम सरी जाऊना जदि मसाल को आम अन्न भाव व्यवहार करूँ तेल कौन हम केमी हम ना स्पर्शे मारात्मक रूपे रम्य दिशे छुईला बेलू मारात्मक हाथ पोड़ीदब रूपर रम्य भल देखा छुईला मात्र के हाथ पोड़ीदेव सी कौन करे ना ताकि पाप परी पाप जेमिटी आम को न जनक भितरे भितरे कौन करे व्यापी जाए ठीक से हीपरी भूत माने बा इंद्रिय माने आमर शत्रु कारण से माने निजर स्वार्थ निजर सुख पूरण करने को चाहती जहाँ आम पार्टी को आम आखि को आम कान को आम चम को आम देह को आम विचार को आम प्रथम भल बोल मन करू से गुड़िक प्रकृत भल न हो पारे किंतु आमे तार ग्रहण करले जीवन गोटे अंगे परिणत अंशर परिणत करदे से माने आस्ते आस्ते कर्कट रोग जीवाणु परिकर आमको खाई जाती तेणु अष्ट महासिद्धि आमर मुनि माने दार्शनिक माने कहिछंती जो कहली अणिमा लघिमा महिमा ओ प्राप्ति ए चारोटी विषय अंतर्गत कामटी होउछि हे जीवगण हे मनीष हे व्यक्ति हे साधक हे गृही तुम्हें माने ये इंद्रिय ठारु दूरेक रह तेणु प्रथम कौन कर गोटे गोटे कथा मु बुझे दौची अणिमा कहले कौन ना अणुपरि सूक्ष्म सूक्ष्म रूप धारण करवा अणुपरि सूक्ष्म रूप धारण करमें संभव आम साधक नुहे किंतु साधक हवा को पड़ब जो मैंने साधक आम देखीचु रामायण शुणीचु कौन ना हनुमान कौन कर एड़ी सूक्ष्म माछी रूप होकर सका पशिगले क्या भितर पशिगले एमती रूप धारण करें गोटे समुद्र मानने समुद्र एकुलू जा लंकार डे पड़े से भाई साधनार अधिकारी थे आवश्यक बेले अत्यंत सूक्ष्म रूप धरी पारे वो आवश्यक बेले निजक विस्तारित करदे पारे तेणु अणिमा बोलिकी जो ऐश्वर्य कथा कहली श्रोता बंधु व्यक्ति निजर जोग फल साधना फल अणुपरि क्षुद्राति क्षुद्र रूप धरी पारिबार जो सामर्थ्य शक्ति ता साधना बल संभव हुए दुई लघिमा अर्थात लघु होइजिबा हल्का होइजिबा ओह मो देह आम कौ ओजन बढ़ीगला पेट बाहरी पड़ा कौन मेद लग पड़ा मुझे उठी पारे जो बसुची से थप ये कौन मेद बहुल तार कथ कि आम भर अनेक अच्छा बा साधक कौन करे ना शरीर थो पांच फुट छ फुट साधक गुड़ा कौन बड़ बड़ साधक कौन छोटिया छोटिया बामन ये ना 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 से दीर्घकाय प्राचीन ऋषि मान दीर्घकाय ऋषि
जहाँ कहते से मानकर बपू सुंदर देखा तेज बाहर ये सब कथा किंतु से माने पवन पर हालका हो जाती लघु हो जाती निज शरीर शक्ति को ये हालका कर दिखती जे अनेक समय आम शुणु से मन पवन रे बा मनो जान रे जाती जमी नारद से हालका है नथिले से कौन निज शरीर को धरिकी से आसिक पहुँचु था नारायण कौ कौ आसिक नारायण पुर हे ब्रह्म कौ कौ को ब्रह्मापुर निमिष के स्थान परिवर्तन कर दौंट तार यार अर्थ हूँ से लघिमा जो ऐश्वर्य से लघिमा ऐश्वर्य लाभ कर किंतु जानिबा पई चाहेबो कि या विषय रे किछि कोठी वर्णना हे छि कि नै वर्णना हे छि कोनो मु से वर्णना कथा कहू छि अष्ट महासिद्धि कहिले कोनो ताकु सरल भाव रे आमे केमिति बुझिबा से कथा मु कहू छि मु लघिमा कथा कहुतिली महिमा आके महिमा हो छि निजरो महान भाव वृद्धि करबा अर्थात अन्य मानक पाखर तमे पूज्य हबो आमे भावुचु कौन ये लोगरा लफंगा अमुक से किसी जानी नहीं दर पाठुआ अमुक से गर्वी से अहंकारी से क्षमता लोभी अमुक अमुक कथा आम लोक अनादर किंतु से महिमा अंतर्गत जो अशो ऐश्वर्य महिमा एक ऐश्वर्य एक बार बार कही ये महिमा ऐश्वर्य माने हूँ तार अर्थ हूँ निजे अन्य पाखरे महिमामय हेब अन्य माने तुमको किपरि पूजा करिवे आदर करिवे तुम गुण को ग्रहण करिवे सेई प्रकार सिद्धि तुम्हें लाभ करिवो एवं चतुर्थ होची प्राप्ति प्राप्ति माने मनर अभिलाष जहाँ जेमिति सेई अभिलाष अनुसार निजे फल पाइबा प्राप्ति कहले आमे लाभ करिवा पाइबा को बुझौ एवं अष्ट महा ऐश्वर्य भितरे बा सिद्धि भितरे ये प्राप्ति गोटे यहीपर ऐश्वर्य मुझा चाहेबी तापर अर्थात मोर साधना मोर उद्यम मोर शिक्षा मोर तपस्या सेपर हो जहाँ चाहेबी तापर तेना ये चारोटी कथा है चारोटी मुझे आउ थे पुनरावृत्ति कर अणिमा लघिमा महिमा और प्राप्ति ये चारोटी जो ऐश्वर्य ये चारोटी ऐश्वर्य फल व्यक्ति बा साधक बा कई प्रज्ञावान लोक से पंचभूत कहले इंद्रिय इंद्रियंकर दासत्व को छाड़ी दे था इंद्रिय वशीभूत ही न था से जहाँ चाहे ताकर जेपरी जो स्थान को जापर मनोजान फल सेपरी निज को ये हालका कर दे थाए गोटे सूक्ष्म देह धारण करी पारे एवं निज को निजर पूज्य निज को अन्य मानकर पूज्य बोली करी मन करे से समस्ते मते पूजा करिवे मु इतर अबांतर अबांछित मनीष नुहे मो भीतर से भली प्रतिभा अच्छी शक्ति अच्छी मते समस्ते पूजा करंतु एपरी अष्ट ऐश्वर्यर प्रथम चारोटी ऐश्वर्यर उद्देश्य बा तार अर्थ एपरि मु चारोटी ऐश्वर्यर कथा सूचाई देथिली जहाँ को कहवा भूतगणकर सूक्ष्म शरीर को जय करवा भूतगणकर सूक्ष्म शरीर को जय करवा कौन भूत कौ भूत भूत डाणी भूत पेत से कथा नुहे भूत कहले विभिन्न प्रकार जीवन मनीष मध्य भूत अंतर्गत जीवजंतु मध्य भूत अंतर्गत इत्यादि इत्यादि अच्छे तेणु यही जो भूतगणर शरीर को जितवा यही आउ चारोटी ऐश्वर्यर कथा कहा जाए से कौन ना प्राकाम्य प्राकाम्य कहले कौन ना सर्वत्र व्यापी पारिवार शक्ति जेनि पवन सब व्यापी जाए सुगंध व्यापी जाए ये ठीक से भाया तेणु मनीष बा साधक यही गोटे शक्तिर अधिकारी हम गोड़ अधिकारी हम से सबुआड़े व्यापी पार दूर बसित्व बसित्व ने सब को बसीभूत कर जो मैंने कापाड़िक जो मैंने जादूकर
ସେ ଏମିତି ପକେଇଦେବେ ତମେ କ'ଣ ପଥର ହେଇଯିବ, ତମେ ମେଣ୍ଢା ହେଇଯିବ, ତମେ ଛେଳି ହେଇଯିବ, କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆମର ସବୁ ଶୁଣିଛୁ କଥା ଅଛି ସବୁ ସେଇଭଳି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବସିତ ସମୁକୁ ବସିଭୂତ କରି ରଖିଥିବ, କାହାର ମୁହଁ, କାହାର ତେଜ, କାହାର ଆଖି, କାହାର କଥା, କଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିଦେବେ। ଏମିତି ରୂପ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ, ଜଣଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମେ ନତମସ୍ତକ ହେଇଯିବୁ। ଆହ ଉଦାହର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଇଏ କେମିତି କେମିତି ମୁଖ ହେଇଥିବ, କେଡ଼େ ସାଧୁ ହେଇଥିବେ, କ'ଣ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଯିବ, ନ୍ୟୁନତା ଭାବ ଆସିଯିବ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ଯାହା କହନ୍ତି ଫସି ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ବସିତ୍ୱ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସିଭୂତ କରିକିରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରୁଥିବ। ଈଶୁତ୍ୱ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିପାରୁଥିବ। ଏବଂ କାମ ବସୟିତା କହିଲେ ତମର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତମେ ଯାଇକି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବ। ତାର ମାନନୀୟ ମାଝି ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ମୋର କାହିଁ କେଉଁଠି ପଇସା ପତ୍ର କାହିଁ, ଧନବାଡ଼ି କାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କାହିଁ, କିଏ ମୋର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଠୁ ଯାଇକିରି ମାନେ କଟକରୁ ଯାଇକି କଲିକତାରେ ରହିବି, ନହେଲେ ଯାଇକି ବଙ୍ଗାଲୁରୁ ରହିବି କି ହିମାଳୟରେ ରହିବି, ଇଏ ସମସ୍ୟା ଆଉ ନଥିବ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି, ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି କଥା ଆମେ କହିଲେ, ପୂର୍ବ ଚାରୋଟି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏ ଚାରୋଟି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏମିତିକି ମିଶିକିରି ହେଲା ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଏବଂ ସେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବିଭୂତି ଯୋଗ ଭିତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ଓ କେଉଁ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ମାନେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ତମେ ଏ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବ, ସବୁ କଥା କହୁ 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 ବୁଝଉ 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 ଅର୍ଜୁନ କିଛି କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଶେଷକୁ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିଲେ, ଏରେ ଚଣ୍ଡାଳ, ତୁ କିଛି, ମୁଁ ତ ଏତେ ବୁଝେଇଲି, ତୁ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ, ନା ଏଇ କଥା, ନା ତୁ ସେ କଥା ବୁଝିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ କ'ଣ କଲେ, ନା ନିଜର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଦେ ହେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ଭଗବତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ ଦେଖିଲୁ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନ ତାରି ଭିତରେ ଅଛି, ସେଠି କିଏ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଦେହରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ତାଙ୍କ ଦେହ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅର୍ଜୁନ ସେ ରୂପ ଦେଖିକିରି କହିଲା, ଏ ହେଉଛି ମୋର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଅଷ୍ଟ ମହାସିଦ୍ଧି ବିଷୟରେ, ଅନେକ କିଛି କଥା ଜାଣିଲେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର କଥା ଜାଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ଗଲାଣି, ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ସହିତ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।